अक्सर हम लोगों ने सारे मोटिवेशनल वीडियो में सुना ही होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आस पड़ोस में अपने बड़ों को कहते हुए सुना ही होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आखिर क्या है ये कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने पर क्या होगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है जब हमें घर बैठे ही सारी सुख सुविधाएँ मिल रही है? तो आइए हम कंफर्ट जोन को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली शहर में एक रवि नाम का व्यापारी रहता था जो काफी पैसे वाला था। व्यापारी ने अपनी मेहनत से बहुत सारी दौलत कमाई थी। व्यापारी का एक बेटा था जिसका नाम रमन था, जो बहुत ही आलसी था। एक भी काम नहीं आता था उसे, हर काम के लिए नौकर रखता था। एक दिन अचानक व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखते ही देखते वो कर्ज में डूबता चला गया और इसी टेंशन में व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब कर्जदार पैसे के लिए रमन को परेशान करने लगे। नौकर भी सारे काम छोड़कर चले गए। बैंक बैलेंस भी बैंक वालों ने जब्त कर लिया, क्योंकि बैंक ने भी कर्ज दिए हुए थे। तो रमन को दिल्ली छोड़ बिहार आना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग उसे कुछ काम नहीं देते थे। कि लोगों को यह पता चल गया था कि रमन को कुछ नहीं आता। बिहार आने के बाद रमन ने सोचा कि चलो कुछ काम किया जाए। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति घड़ा बना रहा है। रमन ने सोचा चलो इसी से कुछ काम मांगते हैं। रमन ने कुम्हार को बोला, या आप मुझे कुछ काम दे सकते हो, मुझे काम की तलाश है। कुम्हार बोला, आप दिखने में मजदूर तो नहीं लगते, लेकिन चाक चलाना आता हो तो मैं आपको काम दे दूं। रमन बोला, भैया मुझे चाक चलाना तो नहीं आता, लेकिन आप अगर सिखा दोगे तो मैं ज़रूर चला लूँगा। कुम्हार ने शकल बना के बोला, कुछ आता नहीं और आ जाते हैं काम मांगने को, अगो यहाँ से दोबारा मत आना। रमन उदास हो गया। चलते चलते कुछ दूर पर उसने ग्वाले को देखा और ग्वाले से पूछा, या कोई काम मिल सकता है, बहुत परेशान हूँ। ग्वाले ने पूछा, गाय धोना आता है? रमेश ने बोला, नहीं, मगर आप सिखा दोगे तो मैं सीख जाऊँगा, और जल्दी मैं सीख जाऊँगा। रब पूरी दुनिया से काम मांगा पर उसे किसी ने काम नहीं दिया और वो कुछ दिनों बाद भूखा मर गया। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि रमेश को कोई काम क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि रमेश को कुछ आता नहीं था। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला ही नहीं। घर में बैठे बैठे उसे सब कुछ मिलता था। उसे हर काम के लिए नौकर चाहिए थे। अपनी लाइफ में आराम के सिवा उसने कोई और काम किया ही नहीं। अगर वो कुछ सीख गया होता अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, तो कोई ना कोई उसे काम मिल जाता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पता चल ही गया होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कंफर्ट जोन क्या है। नहीं दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।